कोटा का विद्युत विभाग भी अब हाईटेक हो गया है और विद्युत चोरी रोकने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। बिजली चोरी रोकने के लिए उपलब्ध करवाया गया ऐप बिजली विभाग के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस ऐप से न केवल बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी आई है बल्कि बिजली चोरी रोकने के लिए किए जा रहे इस कारगर प्रयास में पारदर्शिता भी नजर आ रही है। दरअसल पहले बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस टीम या बिजली विभाग की अन्य टीम को मौके पर न केवल फोटो खींचनी पड़ती थी बल्कि कार्बन लगाकर पूरी प्रक्रिया फिजिकल करना पड़ता था, लेकिन अब बिजली विभाग हाईटेक हो चुका है और अब मौके पर ही फोटो खींचने के बाद या ऐप में अपलोड हो जाता है और डाटा भरने के बाद बिजली चोरी रोकने की यह प्रक्रिया ऑनलाइन अपडेट हो जाती है। इससे न केवल समय और श्रम की बचत होती है बल्कि गलत तरीके से VCR भरने जैसे उपभोक्ताओं को की कई शिकायतों में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, ऐप में अपलोड होने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर VCR भरने और जुर्माना राशि कब व कैसे जमा करवाने जैसी तमाम प्रक्रियाओं को मोबाइल पर ही उपलब्ध करवाई जा सकती है। कोटा में JN, AN, XCN व विजिलेंस सहित विद्युत विभाग की अन्य टीमों के पास इस प्रकार का टैबलेट ऐप उपलब्ध है। वहीं अब विद्युत चोरी निरोधक चोरी थाने में भी FIR के लिए ऑनलाइन VCR आ रही है। ऑनलाइन सिस्टम के तहत अब तक 600 से अधिक VCR भरी जा चुकी है और यह सिलसिला जारी है। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग का हाईटेक व ऑनलाइन व हाईटेक व तरीका वरदान साबित हो रहा है। पहले जो हमारे ऑफिसर्स जाते थे चेक करने, वो मौके पर फोटो लेते थे और मौके पर फिजिकली VCR भरते थे, यानी ये हाथ से भरना पड़ता था एक कागज़ पे कार्बन वगैरह लगा करके। तो उसमें कई बार आरोप लगते थे कि साहब VCR मौके पे नहीं भरी है, अपनी मर्जी से भर ली है, घर पे बैठ के भर ली है, ऑफिस में बैठ के भर ली है, इस तरह के आरोप लगते थे। तो इन सब आरोपों को दरकिनार करने वाला एक बहुत ही अच्छा ऐप आया जिसमें ऑफिसर को मौके पर ही फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो लेते ही वो ऐप में अपलोड हो जाती है। फोन जयपुर में उच्च अधिकारियों ने विजिलेंस ऑफिसर एडिल विजिलेंस ऑफिसर अपने JVNL एंड ओंडम के अधिकारी ओंडम के JNAN को राजस्थान सरकार द्वारा एक टैबलेट जिसमें विद्युत चोरी की करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है जो एक पारदर्शिता को दर्शाती है। कभी कभी पहले क्या कंज्यूमर ये कहता था हमने हमारी VCR गलत भरी है, लोड ज़्यादा दर्शाया है, उस सवालों से बचने के लिए कुछ पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान सरकार ने बिजली अधिकारियों को टैबलेट के मार्फत एक ऐप डाउनलोड करके VCR भरने की प्रक्रिया अपनाई है। उसमें क्या बदलाव रहा है आपके पास कुछ? मेरे पास ऑनलाइन VCR आ रही है FIR के लिए। हाँ। जो मैंने अनुसार कार्रवाई करूँगा, नोटिस जारी करूँगा, जमा कराएंगे तो अपन विधिक कार्रवाई नहीं करेंगे थाने वाले, अन्यथा जमा नहीं कराएंगे तो 41 का नोटिस जारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिजली कंज्यूमर जो चोरी करने वाले हैं उनको गिरफ्तार